हेलो स्टूडेंट्स, आई विश कि आप लोग सारे फिट एंड फाइन होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या कि इसमें हम डेवलप करते हैं, वील ट्राई टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए तो सभी को पता ही है कि इट इज़ अ कोडेड फॉर्म ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इट टेक इन्फॉर्मेशन और इट विल पास इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन, जो करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास करते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वन नेक्स्ट जनरेशन ये इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। अब ये करना क्या है हमें इस टेक्नोलॉजी में, समझना क्या है और हमें जानना क्या है। तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन की। जो इंसुलिन था पहली मेडिसिन बोल लीजिए कि जो प्रोड्यूस की गई थी विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज से। तो इसमें क्या है कि एक जीन जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने क्या किया, वी हैव आइडेंटिफाई किया और इस जीन को एक डीएनए मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे प्लाज्मिड क्या होता है, क्या है क्या नहीं फीचर इसके। तो ये जो जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने बोल दिया इसको, जो कि हमारा इंसुलिन वाला जीन है, तो इसको हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस जीन को इंसर्ट किया इस प्लाज्मिड में। सो दिस जीन इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड जिसको हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मींस द प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड एक्चुअली डीएनए ही नेचर है, इस प्लाज्मिड में इसमें क्या हमने ऐड किया, बट द साइंटिस्ट एडेड, दे हैव एडेड द इंसुलिन कोडेड जीन और ये डीएनए है। प्लाज्मिड क्या नेचर है, डीएनए। सो वी कॉल्ड इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस डीएनए को हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो टूल्स इसमें यूज हुए, अब टूल्स कौन कौन से यूज हुए कि ये जो सीक्वेंस था, जो हमने पर्टिकुलर बोला कि एक पर्टिकुलर जीनोम में से हमने एक सीक्वेंस लिया जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि इंसुलिन कोडेड करता है, आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उस जीन को हमने इंसर्ट किया जो कि प्लाज्मिड है। अब इसमें टूल्स कहाँ लगे, फर्स्ट टूल लगा हमारा कि जीन आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड टूल लगा हमारा जीन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम होल जीनोम, थर्ड टूल लगा हमारा इंसर्शन of gene of interest, I am writing it GI, into the plasmid। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो plasmid है that we also need to select कि what kind of plasmid to be used for what kind of gene of interest, ये हम सारा पढ़ेंगे। अब ये तो हो गई यहाँ की बात, अब next जो है ये देखिए हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ होस्ट सेल, इसको हमें ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल। अब मान लीजिए हमने लिया है इकोलाई सेल, मोस्टली इकोलाई सेल लिया जाता है। सो वी हैव ट्रांसफॉर्म दिस इनटू द इनटू होस्ट सेल, ट्रांसफॉर्म किसको किया हमने, द प्लाज्मिड
विच हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग और इंसुलिन कोडिंग जीन। ये रहा हमारा होस्ट। सो फोर्थ जो हमारे पास आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, अब क्या करते हैं जब हम लैब में काम कर रहे हैं ना, व्हेन यू वर्किंग लैब, अब ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास भैया एक ही सेल है और एक ही प्लाज्मिड है, हमको इसके अंदर डाल दिए, इट इज नॉट सो इजी जॉब। होगा क्या कि जब आप प्लाज्मिड हैं, यहाँ पे सिंगल प्लाज्मिड नहीं है, देर आर मल्टीपल ऑफ प्लाज्मिड एंड यू आर परफॉर्मिंग दिस विद द नॉट अ सिंगल प्लाज्मिड, यू आर परफॉर्मिंग मल्टीपल ऑफ प्लाज्मिड। अब क्या हुआ, किसी ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया, सपोज यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया, ये प्लाज्मिड इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। सिमिलरली क्या हुआ कि आपका जो सेल है इकोलाई सेल, हमने जो हो सेल लिया, ठीक है, ये इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए ऐसे बना देता है, अब किसी में गया मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, किसी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो नेक्स्ट आएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल कि जिसमें सेल हो गया, देन इन द ट्रांसफॉर्म सेल व्हेन यू सिलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म सेल, जो आपने सिलेक्ट कर लिया और जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करेगा इनसाइड अ होस्ट सेल। अब जब ये खुद मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा, इसके पास जो जीन है, जो हमने जीन डाला जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो उसको हम इंसुलिन बोल रहे हैं, वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोलते हैं कॉपी नंबर, क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, और हम स्पेसिफिकली बोलेंगे आर डी एन ए इज इंक्रीज्ड, तो ये हो गया हमारा क्लोनिंग वेक्टर। तो ये सब हमने आर डी एन ए टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, ये तो एक पार्ट हुआ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट में जैसे मैंने बोला आपको, बिल्कुल सरल चीज समझा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये था हमारे पास होस्ट सेल, जिसको हमने बोला होस्ट सेल। इस होस्ट सेल के पास क्या है, प्लाज्मिड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब दो दो तरह की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, दो तरह के बनेंगे, एक होगा जो कि एक होगा जो कि क्या करेगा, देयर इज वन विच विल क्लोन, मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लाज्मिड, सो दैट वी कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको, क्लोनिंग वेक्टर। तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। अब एक वर्ड यूज करूंगा मैं यहां पे, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब कि हम चाहते हैं कि जो इंसुलिन वाला जीन है ये क्या बनाए, इंसुलिन बनाए, क्या बनाए, इंसुलिन। तो इंसुलिन बनाने के लिए क्या होगा, इसको एमआरएनए बनाना पड़ेगा, है ना, मतलब यहां पे रेप्लिकेशन की बात होगी, और यहां पे एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो यहां पे हम ट्रांसक्रिप्शन की बात होगी। तो यहां पे क्या होगा, प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड तो ये हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। तो ये है हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर। तो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के, या कौन कौन से पैरामीटर होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर के। तो आई गेस के आपको ये समझ आया होगा,
कि क्या है RDNA टेक्नोलॉजी, और इस सब को हम बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें हमने करनी है, कौन कौन से टूल्स हमने लेने हैं कटिंग के लिए, इसको कट करना है, सपोज ए जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, इसको हमें निकालना है, फिर हम इसको ऐड करना है किसी प्लाज्मिड में, है ना, कौन कौन से बेसिस में हम इस प्लाज्मिड को सिलेक्ट करें, या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करे, दैट विल बी डीएनए नेचर। ओके, सिलेक्शन कैसे करेंगे, जो हमने भी टॉपिक डील किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच।